दोस्तों पीएफ की सावधान सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया करके ध्यान से देखिएगा, ऐसी गलती मत कीजिएगा। गलती करोगे फंसोगे और फंस जाओगे तो चाहे किसी को पैसे दोगे ना तो भी वो ठीक नहीं होगा आसानी से। तो यहाँ सारा मामला जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है सागर, मैं हूँ एक पीएफ कंसल्टेंट। यहाँ जो आप चैनल देख रहे हैं ये पीएफ का बेस्ट चैनल है। जो मैं यहाँ आपको कहूंगा वो प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, क्योंकि मैं पीएफ का काम करता हूँ तो मेरे पास सारे प्रैक्टिकल केसेस आते हैं। उन्हीं प्रैक्टिकल केसेस पे मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे सपोर्ट कीजिएगा सब्सक्राइब करके, ठीक है। यहाँ जो मैं आपको कह रहा हूँ, सबसे पहली चीज़ ये समझ लीजिए बात क्या हो रही है। बात ये हो रही है कि बहुत बार लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि भाई हमारे नाम की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए। तो इन सभी परेशानियों को देखते हुए पीएफ ऑफिस ने अगस्त 2023 के अंदर में एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया, जहां उन्होंने कहा कि भाई साहब देखो, आपको कोई करेक्शन करानी है तो मैं आपको यहां लिख के दे रहा हूं कि आप कोई करेक्शन कितने बार करा सकते हो। जैसा कि यहां पे कोई भी आदमी करेक्शन क्या क्या करवाता है, वो अपने नाम की स्पेलिंग में करेक्शन करा सकता है, जेंडर में करा सकता है, डेट ऑफ बर्थ में करा सकता है। इस तरह से 11 पॉइंट दिए हुए हैं और इन 11 पॉइंट्स के अंदर में लिखा हुआ है कि आम तौर पे हम किसी करेक्शन को कितने बार कर सकते हैं, मतलब आप नाम कितने बार ठीक कर सकते हो, एक बार कर सकते हो या दो बार कर सकते हो या तीन बार कर सकते हो, लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ साफ साफ बताया गया है भाई साहब आपको अपना नाम सिर्फ एक बार ठीक कर सकते हो। जैसे मैं अपना नाम बताऊँ, मेरा नाम सागर है, स्पेलिंग ये है। मान लो कि मेरे को ऐसा किसी ज्योतिष ने बताया कि भाई तेरा नाम जो है ना तो यहाँ डबल ए लगा ले तो तेरी किस्मत चमक जाएगी, ठीक है। तो मुझे लगा भाई ठीक है डबल ए करा लेता हूँ। मैं गया आधार सेंटर पे, आधार सेंटर पे मैंने जाके डबल ए करा लिया, ठीक है। अब पता लगा डबल ए कराने के बाद जो चल रहा था काम वो भी बंद हो गया। मैंने कहा नहीं यार नहीं, गलत हो गया गलत हो गया। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ फिर वापस से जाके SAGAR करा लेता हूँ। तो देखो अगर आपने ऐसा नाम ये करेक्शन कर ली, ठीक है, ये करेक्शन कर ली और आपने पीएफ ऑफिस के अंदर रिकॉर्ड में अपडेट करा लिया, AAR करवा लिया, फिर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वापस से आप AAR को वापस से AR में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या समझे आप इससे? समझ नहीं आया होगा, मैं आपको नीचे ले जाके समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इस पेज के नीचे में आते हैं। तो ये कह रहा है कि देखो नॉर्मल कोर्स, नॉर्मल कोर्स मतलब आम तौर पे हम जो है ना सिर्फ एक ही बार ठीक करेंगे, लेकिन अगर आप एक बार से ज़्यादा करेक्शन करवाने आओगे तो फिर हम आपसे 50 चीज़ें पूछेंगे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि इंडिविजुअल में रिजल्ट इनटू फ्रॉड, तो इसी तरह की कंडीशन आपसे लगाई जाएगी अगर आप एक बार से ज़्यादा अपना नाम करेक्शन करने के लिए आए तो। तो क्या ऐसा संभव है कि भाई एक बार से दो बार में हमारा करेक्शन हो जाए? हाँ जी ऐसा संभव है। तो आपने समझ लिया कि एक बार से ज़्यादा करेक्शन करोगे तो चप्पलें घिस जाएंगी उसको करेक्शन होने में। क्या मैं आपको कोई एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ जहाँ पे एक बार नहीं दो बार नाम करेक्शन हुआ हो? हाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास एक केस है जहाँ पे, ये केस तो मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ लेकिन मैंने आज बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे एक बार से दो बार में नेम करेक्शन हुई है। आप यहाँ देख सकते हैं, देखो मैं पर्सनल डिटेल है नहीं दिखा सकता, लेकिन आप ये समझना कि यहाँ पे दो टेक्स्ट लिखा हुआ है, दो टेक्स्ट को बदल के जो है तीन टेक्स्ट किया गया, ठीक है। मैं आपको दिखा नहीं सकता यूट्यूब की वजह से, लेकिन जो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आप समझ जाओगे, धुंधला रहेगा लेकिन समझ में आएगा, दिख रहा है आपको थोड़ा थोड़ा। फिर ये देखो तीन टेक्स्ट है यहाँ पे, तीन टेक्स्ट है, फिर उसको दो टेक्स्ट किया गया, ठीक है। तो आपने क्या समझा, पहले दो अक्षर थे, दो अक्षर को तीन अक्षर बनाया गया और फिर तीन अक्षर थे, तीन अक्षर को वापस से दो अक्षर बनाया गया। तो ऐसी गलती अब भूल के भी मत करना भाई साहब। अब जो आपका नाम है अगर आपको ठीक करना हो आप एक ही बार ठोक बजा के कर लो। ये समझ के रखना कि जो 10th के डॉक्यूमेंट में होता है वो सबसे प्राइमरी होता है, जैसा 10th के अंदर डॉक्यूमेंट हो वैसा ही आपको नाम अपने रिकॉर्ड में रख लेना है। आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हो, बार बार चेंज करोगे, यहाँ तो देखो 2019 के अंदर अप्रैल में करा उसने और फिर मई में हो गया और ये एक्सेप्टेड बाय गुड़गांव ऑफिस हो गया। कैसे हो गया, ये चमत्कार है, ये चमत्कार होता नहीं है। मेरे को इतने पापड़ बेलने पड़ गए थे, नोएडा ऑफिस का करवाना था एक का, उसने मना कर दिया, बोला होता ही नहीं, बोला होता ही नहीं भाई साहब। ये तो आप, हमने तो पहले सुना ही नहीं कि इस तरह से नाम हम दो बार करेक्शन करा सकते हैं। फिर पता कैसे हुआ, वैसे ही हुआ, वैसे जो होता है ना वैसे वाले तरीके से हुआ और हो गया, उसी अधिकारी ने किया जिससे मैंने जो कह रहा था होता ही नहीं होता ही नहीं, और जैसे ही हुआ तो वैसे ही हो गया। तो इसी तरह से यहाँ आपको बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, कृपया करके एक बार से ज़्यादा करेक्शन ना करें, किसी भी रिकॉर्ड में करेक्शन नहीं करें। अगर आप बदलना चाहें अपने आधार कार्ड में कोई करेक्शन हो,
क्या क्या करेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल नंबर बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एड्रेस बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फादर नेम बदलने में देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कोशिश करना है कि फादर नेम भी वैसा ही रखना है जैसा आपका टेंथ के डॉक्यूमेंट में हो। टेंथ का डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप पासपोर्ट बनाने जाओ, चाहे आप ग्रेजुएशन में जाओ, चाहे आप सरकारी नौकरी के लिए जाओ, तो अगर आप टेंथ पास हो तो टेंथ के बेसिस पे ही आप अपने आगे के डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखिए। कितना आपको समझ आया है, देखो मेरे को बहुत मेहनत लगती है भाई, कई बार बोलना पड़ता है तब जाके ये वीडियो बनती है, तो अगर आपको मेरी मेहनत समझ आ रही हो, अगर आपको लग रहा हो कि मैंने यहाँ पे अच्छा बताया है, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, साथ में ही प्लेलिस्ट दी हुई है वहाँ जाके वीडियो देखिए। अगर आपको पर्सनल कंसल्ट करना हो, पर्सनल कंसल्ट फीस पे करके कर सकते हैं, और साथ में ही आप ज़रूर फीडबैक दीजिए कि कैसी लगी है ये वीडियो। मिलते हैं आपसे किसी और जानकारी वाली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।